मोहम्मदी बेगम जो थी ना, उसका निकाह मिर्ज़ा सुल्तान मोहम्मद से हुआ, उसी के घर में रही, बेटे हुए, पाकिस्तान बनने के बाद फौत हुई है, कोई गुलाम अहमद के निकाह में नहीं आई। अब इन लोगों का गुमराह होना जो उसकी इंतहा देखें कि जब मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद इसके बेटे ने खलीफा नूरुद्दीन से पूछा, वो इसका उस्ताद भी था, इसके बाप के पास लिया किस हजरत साहब है, अब्बा जी ने पेश गोई की इतनी धादी और चैलेंज के साथ, ये भी नहीं कि उसको बदली दिया, सारा ज़िंदगी दोहराया कि होकर रहेगा आसमान पर मेरा निकाह, वो नहीं हुआ। अब नूरुद्दीन ने जब बात की, आप देख रहे हैं ये वही है अल्लाह, जानने के बावजूद अल्लाह ने इनके दिलों पर ठप, नूरुद्दीन कहने लगा कोई बात नहीं महमूद, इल्म विरासत में बेटे से मुराद पोता पर पोता हो सकता, इसलिए मिर्ज़ा गुलाम अहमद की औलाद में से क़यामत तक कोई बच्चा और मोहम्मदी बेगम की औलाद में से किसी बेटी का निकाह हो गया ना क़यामत तक, तो पेश कोई पूरी हो जाएगी, दिमाग की खराबी, आप हंस रहे हैं, हैरानी है इनकी अकत पर, पेश कोई तो नबी ने की थी, मेरे साथ निकाह हुआ, मेरी ज़िंदगी में आएगी बेशक बेवा होकर, अब क़यामत तक इंतज़ार करें कि कोई बच्चा बच्ची उनका निकाह हो जाएगा, तो पेश कोई मिर्ज़ा साहब की शक्ति है।